कलर्स एंड फ्लेवर चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को। सब्सक्राइब करने पे कोई पैसा नहीं लगता है। अगर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है तो आप यूट्यूब में जीमेल अकाउंट से यूट्यूब को लॉगिन करें, उसके बाद मेरे वीडियो के नीचे लगे हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्ते। आज मैं आपसे चश्मे यानी स्पेक्स के साथ मेकअप कैसे करें उसके बारे में कुछ टिप्स दूंगी। एक्चुअली होता क्या है, हम अच्छे से तैयार तो हो जाते हैं पर जब चश्मा लगाने का नंबर आता है तो हमें अपना चश्मा अखरने लगता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी कि आप स्पेक्स लगाकर भी स्टाइलिश दिख सकें। चाहे ऑफिस जाना हो या किसी पार्टी में, तो मेरे आप ये टिप्स अगर यूज करेंगी तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मेरा पहला टिप है आईब्रोज। मंथ में दो बार अपनी आईब्रोज की शेडिंग जरूर करवाएं और उन्हें हमेशा शेप में रखें। और जब भी आपको कहीं जाना हो तभी आप मेकअप करें तो आईब्रोज में डार्क ब्राउन कलर का कोई आई शेडो लगा लें या फिर आप डार्क ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रोज को शेप दें। इसके अलावा मैं एक सलाह और भी दूंगी कि आप स्पेक्स लेने जाएं तो आप उसका फ्रेम इस तरह का देखें, आपकी जो आईब्रोज है वो चश्मे के बाहर से ही दिखें। अब बात आती है आई शेडो की। आई शेडो जो आप लगाएं तो वो लाइट कलर का लगाएं, थोड़ा सिमरी हो और न्यूट्रल शेड में हो। आप गोल्डन आई शेडो भी लगा सकते हैं, इससे भी आईज बड़ी बड़ी दिखती हैं। गोल्डन के साथ आप पिंक भी यूज कर सकते हैं, लाइट ब्राउन यूज कर सकते हैं, पर ज्यादा कलर्ड आई शेडो ना लगाएं। अगर आप आई शेडो का डार्क सेट लगाना चाहती हैं तो उसके हल्के सेट से शुरू करें और एकदम आंखों के बाहरी किनारों की तरफ ही डार्क सेट लगाएं। इसके अलावा आप अपनी आईज की लोअर लिड में थोड़ा सिमरी आई शेडो लगा लें और उसके बाद काजल की पतली लाइन लगाएं, इससे भी बहुत अच्छा लुक आता है। आई मेकअप के कंप्लीट लुक के लिए ब्लैक कलर का मस्कारा जरूर लगाएं। ज्यादा कलर्ड आई शेडो या आईलाइनर या मस्कारा आप लगाएंगे उनका जो रंग है वो आपके चश्मे के ग्लास में नजर आ सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा कलर्ड आई शेडो या कलर्ड आईलाइनर मस्कारा ना लगाएं। हाँ, अगर आप ब्लू आईलाइनर या ग्रीन आईलाइनर लगाएं भी तो उसकी पतली लाइन लगाएं, उसको उंगली से हल्का सा स्मज कर लें तो आपको अच्छा लुक आएगा। वैसे आप ब्राउन और ब्लैक आईलाइनर लगाएं तो उसकी थोड़ी सी मोटी लाइन लगाएं, बहुत पतली लाइन भी ना लगाएं और बहुत मोटी भी ना लगाएं, मतलब मीडियम साइज की ही लाइन लगाएं। और एक बात तो मैं कंसीलर के बारे में कहना चाहूंगी, अगर आपकी आंखों में डार्क सर्कल्स हैं आप आईज का मेकअप करने से पहले कंसीलर जरूर अप्लाई करें जिससे आपकी आंखों का मेकअप और उभर करके आए। मेरी सलाह ये भी है कि आप अपनी आईज के डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए कुछ प्रयोग नियमित रूप से करें, जैसे कि आलू को कुचलकर उसके रस को अपनी आंखों में लगाएं या फिर खीरे का रस लगाएं। आप ग्रीन टी बैग और ब्लैक टी बैग को भी गर्म पानी में भिगो करके अपनी आईज की शिकायत कर सकती हैं। आप डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए आई जेल और आई क्रीम भी यूज कर सकते हैं और मेकअप करने से पहले अपनी आईज के नीचे बर्फ की हल्की मसाज भी कर सकती हैं। लिप मेकअप, अगर आपने आईज का मेकअप बहुत अच्छे से किया है तो आप लिप कलर में हल्का सेट चुनें, और अगर आपने आई मेकअप लाइट किया है तो आप डार्क लिप कलर आसानी से यूज कर सकती हैं, जैसे कि डार्क रेड है, पिंक कलर, बेरी कलर, तो आप इन कलर को लगा सकती हैं। और आप ब्लशर भी जरूर लगाएं लेकिन उनके लाइट शेड ही लगाएं। और सिंपल वे में मैं ये कहूँगी कि आप चश्मा लगाती हैं तो आई मेकअप जरूर करें, आप लाइट आई मेकअप ही करें लेकिन आई मेकअप जरूर करें, इससे आपके चश्मे के अंदर से भी आंखें सुंदर दिखाई देंगी। अगर आपका आई मेकअप करने का मन नहीं है आप पतला सा ब्लैक या ब्राउन आई लाइनर लगा लें और आप एक ब्राइट सा लिप कलर लगा लें। तो फ्रेंड्स, आप जब भी चश्मा या स्पेक लगाएं तो आप मेरी इन टिप्स को ध्यान में रखें तो आपको चश्मा भी स्टाइलिश लुक देने लगेगा। थैंक यू, बाय।